ग्राम फेकारी के रहवासियों ने तालाब के पाटे जाने को लेकर सरपंच के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कराई, साथ ही सरपंच द्वारा अपने निजी स्वार्थ के चलते मनमानी किए जाने की बात कही। ग्राम फेकारी पाटन के रहवासियों ने सोमवार को बड़ी संख्या में जिला कलेक्ट्रेट पहुंच सरपंच के मनमानी का आरोप लगाते हुए गांव में स्थित तालाब को सरपंच द्वारा अपने निजी स्वार्थ के चलते पाटा जा रहा है, इसके चलते गांव में निस्तारी की समस्या होता देख बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने अपनी शिकायत जन दर्शन में पहुँच दी। इस मामले में उन्होंने बताया कि निस्तारी के लिए पूर्व से शासकीय तालाब स्थित है, जिसमें गाँव वासी अपनी सुविधा की दृष्टि से उक्त तालाब से कपड़ा धोने, नहाने एवं अपने मवेशियों को पानी लाने एवं नहलाने का उपयोग करते हैं, जिसमें अब स्थानीय सरपंच टिकेश्वर साहू एवं उनके सहयोगी गण की मनमानी से अज्ञात ग्रामीणों ने अपनी गुहार कलेक्टर से लगाई। हम लोग शासकीय तालाब जो फेकारी में है उसको सरपंच और उसके सहयोगी लोग पटवा रहे हैं, तो ना पटवाया जाए और गांव की आम निस्तारी तालाब है, इसलिए हम ना पटवाने हेतु आवेदन देने के लिए आए हैं। ग्राम फेकारी से आए हुए हैं और ग्राम फेकारी में जो शासकीय तालाब है जिसको रोजगार गारंटी के तहत खुदाई भी करवाया गया और उसी तालाब में ग्राम वासियों द्वारा श्रमदान भी किया गया, 3-4 रोज लगभग 100-200 मजदूर श्रमदान किए, एक एक रोज का 3-4 रोज श्रमदान किए और खुदाई करवाए। उसी तालाब को सरपंच टिकेश्वर साहू, ग्राम फेकारी और समस्त पंचगण, उप सरपंच पंचगण द्वारा उसको पटवाया जा रहा है, लेकिन क्यों बोलता है कोई रिकॉर्ड नहीं है। हमने उसको पूर्व में जब खुदाई हुआ था तो खुदाई का हम लोग स्टाम्प पेपर, जो क्या बोलते हैं उसको, मस्टर रोल में कितने आदमी कार्य किए, कितने आदमी वहाँ पे काम किए और कितने आदमी किस दिन तक के वहाँ पे श्रमदान किए, उसको पूछना चाहते थे, लेकिन कोई रिकॉर्ड नहीं है करके लिखित रूप में आवेदन दे दिया। हम लोग उसी तालाब को ना पटाया जाए करके हम लोग कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं कि उस तालाब का संधारण हो और जो फ्री में तालाब का खुदाई हुआ है उसको पटवाया जा रहा है, उसके प्रति एक्शन हो सरपंच के लिए। डेन एसी न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।